अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं KFC स्टाइल चिकन विंग्स। ये देखें, बहुत अच्छे से बने थे, ये बहुत क्रिस्पी बने थे। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए 1/2 kg मैक्स। यहाँ पर हमारे पास विंग्स हैं, चिकन विंग्स हैं, ये मेरे पास 6 पीसेज हैं, ठीक है। इसमें हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सिरका विनेगर, ये देखें, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और हम 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे, जस्ट 1/4 टीस्पून, ठीक है, ये हमने डाल दिए। इसके साथ इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट आप ऐड कर देंगे, या मैंने 1/2 टीस्पून ऐड करा है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए इसको हम 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे कवर करके, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना मिक्सर बनाने की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले 1 कप हमने यहाँ पर मैदा लिया है, 1 कप, ठीक है, और उसके साथ हमने 1/2 कप राइस फ्लोर मतलब चावल का आटा, और 1/2 कप इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमने ये सब चीज़ें ऐड करी, इसी के साथ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टेबल स्पून, और ये चिल्ली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, ठीक है। यहाँ पर हम 1 कनौर क्यूब्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर आप चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसलिए मैं 1 क्यूब ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे, या थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करिएगा, ऑलरेडी चिकन क्यूब में सॉल्ट होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से मिक्स करें। ये देखें, आपका मिक्सचर अच्छा सा रेडी है, ये ऑलमोस्ट रेडी। अब हम 2 एग्स लेंगे, उसको अच्छे से बीट कर लेंगे, और हमारी चिकन भी मैरिनेट हो गई है, इसको 1/2 आवर हो गया है। अब हम इसको कोटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हम फर्स्ट लेयर, इसमें सबसे पहले अपने मिक्सचर की फर्स्ट लेयर लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी मैरिनेट हो गई है चिकन, अब इसको हम कोटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे, 1 विंग्स डालेंगे, इसको अच्छे से कोट करेंगे, ये देखें, और आपको अच्छे से प्रेस कर करके इसको कोट करना है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से नहीं, थोड़ा दबा दबा के टाइटली इसको आपको कोट करना है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट लेयर हो जाएगी, इसको ये आपकी कोट हो जाए, इसके बाद इसको टैप करेंगे झाड़ के, और फिर हम 1 प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारी विंग्स को कोट कर लेंगे, ये हमारी फर्स्ट लेयर हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, अच्छे से प्रेस करके आपको कोट करना है सारी विंग्स को, ठीक है। ये देखें, हमारी फर्स्ट लेयर लग गई है और ये सब कोट हो चुकी हैं। अब हम इसमें सेकेंड लेयर अपनी एग एग की लगाएंगे। अब अंडे में अब इसको फोल्ड करेंगे, एंड देन फिर आप मिक्सर में दोबारा डालेंगे इसको, ठीक है। ये देखें, ये हमने अंडे में डाला, और अब हम इसको मिक्सर में डालेंगे और अच्छे से इसको फोल्ड करते जाएंगे, ये देखें, और ये इसको प्रेस करते जाएं, ये अच्छे से कोट हो जाएगा, और आपके बहुत अच्छा सा क्रम्ब बनेगा इसमें, और बहुत क्रिस्पी सा फ्राई होएगा ये, ठीक है। ये देखिए, ये लेयरिंग हो गई हमारे पास। ये बस हमने इसमें जस्ट 2 लेयर्स लगानी है, एक हमने फर्स्ट इसकी अपने मिक्सर की लेयर लगाई, अंडे की लगाई, एंड देन फिर हमने मिक्सर की लगाई, ठीक है। ये हमारे देखें, ज़बरदस्त से इसमें क्रम्स बन गए। ये देखिए, हमारी सेकंड लेयर लग गई है मिक्सर की, ये आपका रेडी है। अब हम अपने ऑयल को गरम करते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल लिया है, ये ऑयल को मीडियम फ्लेम पे हमने गरम करने देना है, और ये मीडियम गरम हो, बहुत हाई फ्लेम पे, तेज़ गरम ना हो, तेज़ गरम में बिल्कुल मत डालिएगा, फौरन कलर आ जाएगा और आपकी चिकन कच्ची रह जाएगी, ठीक है। बस मीडियम आपका गरम हो ऑयल, तो आपने इसको इसमें ऐड करते जाना है, ठीक है। ये देखें, हम इसमें सब ऐड कर दिए अपने सारे विंग्स, ये देखिए, और इसको मैक्सिमम 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के बाद आप फोल्ड करेंगे, मतलब पलटेंगे, उससे पहले नहीं पलटिएगा, ठीक है। ये देखिए, अब मैं पलट रही हूँ, मुझे 3 मिनट हो गए ऑलमोस्ट, ये हमने इसको फोल्ड कर दिया। ये देखें, ज़बरदस्त से इस पर क्रम्स फ्राई हो रहे हैं, और इसको एक दफ़ा और आप फोल्ड करेंगे और ये आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम 6-7 मिनट आपको फ्राई करना है, एंड देन ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसको अपने प्लेट में निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए,
ज़बरदस्त है। आपके चिकन विंग्स रेडी हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। ये देखें, ये सारे विंग्स हमने निकाल लिए, ये देखें, और क्रिस्पी और जूसी बनेगा ये। आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसको फ्राई नहीं करना है, मैक्सिमम 6-7 मिनट्स, 8 मिनट्स में ये डन हो जाएंगे। देखिए हमारा प्लेटर रेडी है, हम जा रहे हैं अपने KFC चिकन को एंजॉय करने। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।